नमस्कार सुल्तानपुर, अभी हम आ गए हैं एक ऐसे लोकेशन पर जहां पर आपको होने वाली समस्याओं का निदान मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो है खास हमारे शहर की महिलाओं के लिए, हमारे आस पड़ोस की महिलाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए। तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कहाँ पर है, क्या है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली इस वीडियो। हम पहुँच चुके हैं द विनायक गौरव हॉस्पिटल, जो कि सुल्तानपुर में एक ऐसा चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिसमें सभी महिलाओं के, अपने शहर की महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और ये एक जच्चा बच्चा केंद्र है और बच्चा होने के पहले से लेकर के बाद तक की सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पे इस हॉस्पिटल में देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले आपको ले कर चलते हैं NICU में, आइए दिखाते हैं आपको जहाँ पर बच्चों को जो है रखा जाता है। ये देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मशीनें सारी लगी हुई हैं और यहाँ पर बच्चे होने के बाद, छोटे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं उनको यहाँ पे संभाल कर रखा जाता है। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी उनकी दिक्कतें होती हैं, यहीं पर उनको रख करके यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। सही बोला मैम। NICU से निकल के हम लोग आगे चलते हैं और लेके चलते हैं मेन हॉस्पिटल की तरफ, श्री विनायक हॉस्पिटल की तरफ। एंट्री करते ही मिल जाती है पैथोलॉजी, चलिए आपको दिखाते हैं एक बार। तो ये है पैथोलॉजी एरिया, आप लोग देख सकते हैं मशीनें वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। ये देखिए, ये है प्रवेश द्वार और यहाँ पे एंट्री होती है और श्री विनायक हॉस्पिटल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नाम वगैरह लिखा हुआ। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ उपलब्ध होने वाली हैं। तो सुल्तानपुर में किसी भी महिला, किसी भी बच्चों की कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो जच्चा हो, चाहे वो बच्चा हो, प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से लेकर के बाद तक की सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। सारे स्पेशलिस्ट जो कि शहर के जो नामचीन जो डॉक्टर हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस हॉस्पिटल में। तो एक बार आप लोग कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एक बार आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। आइए चलिए आपको एक बार वर्चुअल टूर करवाते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है एक लॉबी, जहाँ पर जो भी लोग आते हैं घर परिवार वाले वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। बाकी ये देखिए एरिया जाते हैं रिसेप्शन, जहाँ पर आपको यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं सारी चीज़ें और अपनी प्रॉब्लम का, जो भी आपकी समस्याएं उसका समाधान यहाँ पे आप पा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट कक्ष 5 लिखा हुआ है, आपको एक बार आपको चल के दिखाते हैं। ये देखिए प्राइवेट कक्ष 4, प्राइवेट कक्ष 5 और यहाँ पर सारी जो है जो भी आप देख रहे हैं प्राइवेट से लेकर जनरल सारे जो है कक्ष में आपको AC की सुविधा देखने को मिल जाती है। जो पूरा आप लोग एरिया देख रहे हैं यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर से लेके माइनर OT स्टाफ कक्ष, जनरल वार्ड, जो तो जनरल वार्ड पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि AC की जो व्यवस्था की गई है इसमें, देखिए AC भी मतलब चलती रहती है। तो ये देखिए पूरा एरिया और यहाँ पे जितने भी मरीज हैं उन सभी ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए आप लोग बस इतना देख लीजिए कि AC की व्यवस्था अपने यहाँ पर जनरल वार्ड में भी है। तो चलिए आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, गौरव चैरिटेबल हॉस्पिटल द्वारा संचालित है ये हॉस्पिटल। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दवा खाना भी मिल जाती है, तो जो भी आपको दवा वगैरह लेना हो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं कि जितने भी डॉक्टर यहाँ पे हैं सारी लोग की यहाँ पे लिस्ट दी गई है, इसको वीडियो पॉज करिए और पढ़ लीजिए। सारे डॉक्टर लगभग शहर के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी मतलब कहते हैं ना वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी आप लोग सारी डिटेलिंग यहाँ पर दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आज से सूचना पर जरूर विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। आइए दिखाते हैं एक बार आर्थो में, आर्थो का जो एरिया है वो भी आपको एक बार हम लोग दिखाते हैं। तो ये एरिया देख सकते हैं आप लोग, तो हम किसी को मेंशन नहीं करते। मशीनें वगैरह भी यहाँ पे प्रॉपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चल रही हैं। तो ये एरिया है आर्थो, तो यहाँ पे ऑपरेशन OT में आप देख सकते हैं सारी मशीनें आपको देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आप यहाँ पे जनरल सर्जरी, हार्निया, GP, स्टोन, अपेंडिक्स जैसे कई सारे बीमारियों के ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे सारी मशीनें हैं जिसमें हार्टबीट से लेकर के मतलब सारी जो है व्यवस्थाएं यहाँ पे दी गई हैं इस हॉस्पिटल में, देख सकते हैं आप लोग। तो ये है प्राइवेट कक्ष 5, आइए चलिए आपको एक बार हम इसका भी दिखा देते हैं क्या कहानी है पूरी अंदर की। तो प्राइवेट भी काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने, तो आपको सबसे पहले एक बेड देखने को मिल जाता है और एक AC जो कि अभी यहाँ पर कोई है ना इसलिए AC बंद की गई है। तो AC, बाथरूम और फैन मतलब सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे आपको दी गई हैं, सॉकेट वगैरह सब कुछ है, AC का आप कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं। तो ये देखिए पूरा सॉकेट वगैरह सारी चीज़ें मतलब एक प्रॉपर अच्छे से जो है आपको ये हॉस्पिटल देखने को मिल जाता है। और तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लिए जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक ऑफर आप लोगों के लिए ये भी है कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, गवर्नमेंट का आयुष्मान कार्ड और हेल्थ कार्ड है, तो आप लोग यहाँ पर कैशलेस जो है उसका फ़ायदा ले सकते हैं और इलाज वगैरह करवा सकते हैं। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, भैया से मिलिए यहाँ पे आइए, स्टाफ से मिलिए, रिसेप्शन पे आइए और अपने जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। धन्यवाद।